चलिए एक और नए स्टूडेंट से मिलते हैं, अंकुश, जिनकी ऑल इंडिया 541 रैंक है और ये दिल्ली से हैं। तो अंकुश, सबसे पहले 541 रैंक के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सर। अंकुश के बारे में, अंकुश आप अपनी सक्सेस जर्नी बताएं पूरी अच्छे से, क्योंकि आपने लास्ट ईयर भी एग्जाम दिया था और इस साल ड्रॉप लेके आपने तैयारी की, फिर से एग्जाम दिया। कई बार ड्रॉप लेने के डिसीजन में कई बार कुछ कठिनाइयां भी आती हैं, कुछ प्रॉब्लम भी आती हैं। और दूसरा, आपने निम्सेट के लिए कब सोचा था और फिर किस ढंग से आपकी ये सक्सेस जर्नी रही, मैं चाहूंगा ये आप डिटेल में बताएं। सर एक्चुअली क्या था, सर मैंने 2017 में बीसीए ज्वाइन करी थी आईआईटीएम कॉलेज से। तो सर फिर मेरे को मतलब सेकंड ईयर के बाद मेरा एक फ्रेंड था निखिल, तो सर उसने मेरे को मतलब निम्सेट के बारे में बताया। उसने बोला कि मतलब एनआईटीज में ऐसा होता है, और एनआईटीज का नाम तो पहले से ही सुना था, सबका सपना होता है कि एनआईटी में जाना, वहां पे पढ़ना, वहां से प्लेसमेंट ग्रैब करना। तो सर मेरे को इंटरेस्ट आने लगा फिर। तो सर बेसिकली क्या हुआ था, फिर उसके बाद मैंने सर एक जगह से सर कोचिंग ली, बट सर एक्चुअली क्या हुआ, कोविड आ गया था। तो फिर मतलब सर अब मेरे से जितना हो सकता था कोविड के टाइम पर मैंने पढ़ाई करी, मतलब पढ़ाई करी थी, बहुत पढ़ाई करी थी। बट सर मेरी एक गलती हो गई थी, वो ये थी कि मैंने ना टेस्ट पेपर सॉल्व नहीं किए थे। मेरे को पेपर करना बिल्कुल नहीं आता था, कि मतलब जो एक पेपर है वो पेपर को सॉल्व कैसे करना है। चलो मेरे से क्वेश्चंस हो जाते थे, बट ना टाइम मैनेजमेंट था, कुछ भी नहीं था। सर मेरी एक्सपेक्टेशंस तो थी लास्ट साल, बट मैं गया सर, फिर मैंने वहां पेपर दिया। पेपर इजी आया था 2020 का काफी, बट सर स्टिल थोड़ा पेपर आया तो मैं ओवर कॉन्फिडेंस में आ गया, क्योंकि सर हमने जो प्रिपरेशन करी थी वो बिल्कुल एकदम उसके हिसाब से करी थी कि पेपर टफ आएगा, क्योंकि 2019 का पेपर काफी टफ आया था। और सर पेपर इजी आ गया तो मैं काफी ओवर कॉन्फिडेंस हो गया, और इस चक्कर में मैंने बहुत गलतियां कर दी। तो सर फिर वही था, तो मेरी लास्ट ईयर 993 रैंक आई थी, तो मेरे को कहीं भी नहीं मिला। फिर सर मैं पहले यूएसआईटी ज्वाइन करने का सोच रहा था, बट फिर मेरा फ्रेंड है निखिल, तो उसने मेरे को बोला कि एक काम करते हैं, एक ट्राई और मारते हैं, और इस बारी इम्पेटस गुरुकुल की टेस्ट सीरीज लेते हैं। तो सर फिर मैंने मतलब दिसंबर तक सारा प्रोसेस खत्म हो गया था, स्पॉट राउंड सबके खत्म हो गए थे। तो फिर जनवरी में सर मैंने आपकी एम्पेटस गुरुकुल की टेस्ट सीरीज ली थी। सर उससे मेरे को हेल्प ये मिली कि मतलब मैं जैसे लास्ट ईयर था ना, मैं कुछ भी कर देता था, कि मतलब अगर कोई भी क्वेश्चन मेरे को दिख रहा है मैं कर दे रहा हूँ, मेंस का क्वेश्चन आ रहा है मेंस का कर दे रहा हूँ, जैसा आ रहा है कर दे रहा हूँ। बट सर इस बारी आपने तो सब कुछ मतलब इंतजाम करके दे रखा था, सारे जो टेस्ट सीरीज थे, जो डीपीपी थे, जो भी आप देते थे सर, हम दोनों मतलब रेगुलरली उसको करते थे। एंड सर फिर उसके बाद आपने टेस्ट देना भी स्टार्ट कर दिया था, तो सर बेसिकली हम रेगुलर टेस्ट भी दिया करते थे। तो फिर सर आपने इस बारी टेस्ट भी कम से कम 60-70 टेस्ट लिए थे, अगर हम फुल लेंथ मॉक टेस्ट की बात करें, और अगर वैसे टेस्ट लें तो सर ओवरऑल 100 प्लस या 150 प्लस 200 के करीब टेस्ट थे ओवरऑल, तो देखा था 200 के करीब टेस्ट थे। तो सर टेस्ट तो सर दिए थे, बहुत टेस्ट दिए थे, और मतलब प्रैक्टिस भी काफी करी थी। फिर सर इस बारी थोड़ा डर भी था जब जा रहे थे, क्योंकि अब ड्रॉप था, तो फिर सर हम गए सर वहां पर, मतलब किया सर, तो सर फिर सर रैंक आई, तो सर खुशी तो हुई सर। बिल्कुल सही बात है अंकुश, जैसे आपने कहा कि लास्ट ईयर आपने पढ़ाई की थी, पर क्या होता है कई चीजें, केवल टेस्ट पेपर देने से भी काम नहीं होता, पढ़ाई से भी नहीं, इनका कॉम्बिनेशन है। तो आपने पढ़ा, पर उसमें आपने अपने आप को ये नहीं देख पाया कि कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, क्वेश्चन सॉल्विंग टेक्निक्स कहाँ है। फिर आपने जब इम्पिटस का टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया, तो इम्पिटस का तो वैसे भी टेस्ट सीरीज भी किसी कई जगह के कोर्सेज से भी बड़ा होता है। मतलब मुझे खुद बच्चे बोलते हैं कि सर हम जितना हमारे रेगुलर कोचिंग में नहीं होता, उससे ज्यादा तो आपके टेस्ट सीरीज में कंटेन और क्लासेज हो जाती हैं। और फिर आपने वो कई सारी चीजें डेवलप की अपने लेवल पे, चीजों को एनालाइज किया, समझा, और देखो उसी का फायदा मिला कि आपको एक अच्छी रैंक भी मिली और एक कंसेप्ट भी मिला। हाँ जी सर। तो अंकुश आप अपने जूनियर्स को क्या मैसेज देना चाहोगे, क्योंकि आपको पता है कि आपने लास्ट ईयर आपसे कहां पे आपसे मिस्टेक हुई थी, और फिर उन मिस्टेक्स को आपने बहुत अच्छे से सुधारा और बहुत ही पॉजिटिव माइंड से इस बार आपने पढ़ाई की। तो वो बच्चे जो कि फाइनल ईयर में प्रिपरेशन करते हैं वो क्या मिस्टेक ना करें, और जो ड्रॉप लेने से डरते हैं उनके लिए आपका क्या मैसेज होगा? सर देखो सर मेरा मैसेज उनके लिए सिर्फ इतना ही है कि तुम पढ़ो और अपने कॉन्सेप्ट को अच्छे से बिल्ड करो, उसके बाद तुम एक टेस्ट सीरीज लो और उसको उसका पूरा पैटर्न फॉलो करो। जब टेस्ट हो रहा है टेस्ट तब दो, मतलब अगर मान लो टेस्ट 9 बजे है तो तुमको 9 बजे ही टेस्ट देना है, टेस्ट 12 बजे है तो टेस्ट 12 बजे देना है। ये नहीं है कि मैं शाम को दे दूंगा, मैं बाद में दे दूंगा, तुमको ये नहीं करना है। और सर उनके लिए भी ये मैसेज है जो ड्रॉप लेना चाहते हैं, अगर सर उनको अपने आप पे मतलब बिलीव है कि हाँ मैं कर सकता हूँ, मैं
नेक्स्ट टाइम निकाल लूंगा, कोई अच्छा NIT निकाल लूंगा, तो सर वो ड्रॉप ले सकता है बिल्कुल सर, इसमें कोई भी डर की बात नहीं है, बिल्कुल आराम से ड्रॉप लो और सर अपने कॉन्सेप्ट को बिल्ड करो, अच्छे से बिल्ड करो, स्ट्रॉन्ग करो। बिल्कुल सही बात बोली अंकुश की, चाहे बच्चा टेस्ट सीरीज ज्वाइन करे, चाहे सेल्फ स्टडी करे, चाहे वो ऑनलाइन कोर्स के साथ जुड़े, बट एक इम्पॉर्टेंट बात है कि वो अपना असेसमेंट जरूर करे। अगर उसके कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो ऑनलाइन कोर्स के साथ पढ़ाई करे, कंसेप्ट क्लियर है तो ऑनलाइन टेस्ट के साथ फिर वो टेस्ट सीरीज ज्वाइन, मतलब अगर उसके कंसेप्ट क्लियर है तो वो टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकता है, घर पे प्रिपरेशन नहीं हो तो क्लासरूम भी आ सकता है, पर उसको अपना असेसमेंट करते आना चाहिए, ऐसा ना हो कि वो कहीं कंफ्यूजन में रहे या मिसगाइडेड हो जाए या भटक जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने कही जो। बिल्कुल सर, सर उनको बिल्कुल भटकना नहीं चाहिए, और सर सर मेन होता है सर टेस्ट बिल्कुल एकदम टाइम पे देना, डीपीटी आ रहा है तो उसको हो सके तो उसी समय खत्म कर दो, बाद के लिए कुछ रखना ही नहीं है। कई लोग सोचते हैं टेस्ट सीरीज है चलो बाद में दे देंगे, पर जो अभी आपने बात बोली ना, उसी टाइम पे देने का अपना एक बेनिफिट होता है, हमें हमारे अंदर एक डिसिप्लिन रहता है कि नहीं हमें इतने बजे ही देना है। और क्या होता है, हम जब टाइम पे नहीं देते तो हम टेस्ट इकट्ठा करते जाते हैं, फिर वो टेस्ट ना के बराबर देते हैं, कभी सीरियसली दे रहे हैं कभी नहीं दे रहे हैं, पर जब हम टाइम पे देते हैं तो हमारे अंदर एक अलग से मोटिवेशन होता है। ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट बात है, जो बच्चे भी सुन रहे हैं तो ये बात ध्यान रखें। तो अंकुश आपसे बात करके काफी अच्छा लगा, अब आप ऐसे NIT में भी अच्छे से परफॉर्म करें और आगे बढ़ें, और जो लोग मिसगाइडेड हैं उनको जरूर गाइड करें। बिल्कुल सर, थैंक यू सर। थैंक यू बेटा।